ंगर्स माई चीमा वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी इन टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट इन ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए एंड सेक्टर बी लास्ट मंथ के कम्पेरजन में लास्ट लास्ट मंथ के कम्पेरिजन में देखूँ यानी कि जून के कंपेरिजन में अभी तक साइड पे जो एक मेजर चीज़ नज़र आती है स्पेसिफिकली सेक्टर ए सेक्टर बी को लेके किन में ब्राउनिंग में थोड़ा इजाफा हुआ है और इसके अलावा जो गेट एंट्रेंस गेट है उसके साथ कुछ मेन चक्री रोड को वाइड किया गया है और एंट्रेंस गेट की लोकेशन जो गेट नंबर टू है उसकी लोकेशन तो थोड़ी चेंज की गई है इसके अलावा ऐसा कोई डेवलपमेंट के बड़े मेजर चेंजेस नहीं आए ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए सेक्टर बी में बट ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाए ओवरसीज़ प्राइम की टोटल डिस्ट्रिक्ट की तो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जी ब्लॉक एच ब्लॉक एफ ब्लॉक ई ब्लॉक सी ब्लॉक ये ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे तकरीबन पोजेशन के लिए चीज़ें रेडी हैं यहाँ भी रेडी हैं चीज़ें लेकिन जिस तरह से प्रॉपरली नजर आती हैं जिस तरह आपको जी ब्लॉक में जाते हैं डेवलपमेंट की पेस नज़र आती है आपको प्रॉपर्ली हॉर्टिकल्चर नज़र आता है प्रॉपर्ली स्ट्रीट डी कारपेटिंग नज़र आती है फुटपाथ काम होता हुआ नजर आता है इस तरह की चीज़ें आपको सेक्टर ए और बी में देखने को नहीं मिलती नन द लेकिन आने वाले दिनों में होपफुली जो डेवलपमेंट की पेस है तेज़ हो जाएगी और ये वाले सेक्टर्स भी कम्प्लीट हो जाएंगे जिस एंट्रेंस गेट के साथ मैं डेवलपमेंट का जिक्र कर रहा था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये गेट नंबर टू के साथ जो चक्री रोड का एरिया है उसे काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया है यानी कि उसकी काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ाई गई है इनिशियली इट वॉज आई थिंक 50 फीट और अभी आई थिंक इसको एक्सटेंड करके अप टू तो थ्री हंड्रेड फीट तक किया जा रहा है एक्सपेंशन के बाद ये आधा एरिया जो होगा वो सोसाइटी की जो बार की लैंडस्केप होती है गेट की उसके लिए यूज़ हो जाएगा और बाकी एरिया जो होगा वो जब आप चक्री रोड पर गेट के सामने से गुजरेंगे तो अचानक लाइट से सोसाइटी की तरफ से कुछ मेम्बर्स अंदर आना चाह रहे हैं और बाकी मेन रोड पर ट्रैफिक भी है ट्रैफिक वाला मसला ना हो तो इसलिए रोड को भी उस एरिया से काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया गया है तो ये एक जो मेजर चेंजेस में आया है इसके ऑपोजिट साइड पर यानी रोड के ऑपोजिट साइड पर जो आ, लेबर कैंप्स हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं यानी कि जो साइड अभी सोसाइटी सेल भी नहीं कर सकती ना करेगी कभी डेफिनेटली तो उस साइड पे काफ़ी चेंजेस आए हैं इन द सेंस कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वहाँ पे ओवरऑल भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है बट चूंकि सोसाइटी ने ये प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है कि अगले दस बीस तीस साल चलना है तो अपना कैंप ऑफिस जो है उसको उसी लिहाज से उतना ही बड़ा बनाया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जितने मैक्सिमम एम्प्लॉज़ हों उनको अकोमोडेटेटेटेटेट किया जा सके अगेन बैक टू द टॉपिक सेक्टर ए सेक्टर बी की बात करें तो सेक्टर ए सेक्टर बी में कोई मेजर चेंजेस मैंने होता जो इस तरह से नहीं आए लेकिन ओवरऑल जो चेंजेस में कुछ ब्राउनिंग का पार्ट एड हुआ जो कुछ

साइड पे गेट नंबर टू है गेट नंबर टू के साथ जो रोड है 120 फीट वाइड वो वाला एरिया जो है वो भी काफ़ी ऊंचा है सेक्टर ए सेक्टर बी से तो एक साइड से दोनों साइड से लट से, से सेक्टर ए वाले साइड से एक कंपेरिजन देखें गेट नंबर टू को वो साइड भी ऊंची है और लेफ्ट साइड पे ई e ब्लॉक और सी ब्लॉक को देखें तो वो साइड भी ऊंची है तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन इसका फील होता है अदरवाइज में भी साइड पर डिप्रेशन ना हो लेकिन इसका डिप्रेशन जो है ज़ाहरी आंख से भी और वैसे भी फिजिकली वहाँ भी अगर आप जाते हैं तो आपको प्रॉपरली डिप्रेशन फील होता है उन पर ओवरसीज़ प्राइम कैप्टल स्मार्ट का मास्टर प्लान देख सकते हैं मास्टर प्लान ये रिवाइज मास्टर प्लान है जो ओल्ड मास्टर प्लान था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ ओल्ड मास्टर प्लान में न्यू मास्टर प्लान में जो कुछ फर्क आए हैं वो इस एच ब्लॉक में चेंजेस आए हैं कुछ और बाकी अपोजिट साइड ऑफ द रोड जो कि अभी नॉन डेवलप है उस पर कोई काम नहीं हुआ उसमें कुछ चेंजेस आए हैं बाकी ओवरऑल जो ब्लॉक है ओवरसीज प्राइम ब्लॉक यानी कि जो एंट्रेंस रोड वन है गेट नंबर वन उसकी जो राइट right साइड है इफ़ यू आर फेसिंग टुवर्ड ओवरसीज ईस्ट अगर आपका फेस उस तरफ है तो राइट right साइड आपकी सारी उस तरह से नॉन उसी तरह से अनचेंज है स्पेसिफिकली ये वाले पार्ट के अलावा बाकी जितना पार्ट है लेफ्ट साइड उसमें चेंजेस आए हैं जिसमें आपको मैं ओल्ड मास्टर प्लान न्यू मास्टर प्लान में एक्सप्लेन कर देता हूँ ओल्ड मास्टर प्लान पर सिर्फ जे के एल और इस तरह बाकी इसमें छोटी कटिंग से प्लॉट थे न्यू मास्टर प्लान में इस ब्लॉक को काफ़ी एक्सटेंड किया गया इस लैंड को और इसे आगे की तरफ एक्सपेंशन करने के बाद बाकी इसमें जो लैंड का काफी पार्ट ऐड हुआ है और कुछ नए ब्लॉक्स भी ऐड हुए हैं कुछ नए प्लॉट्स भी ऐड हुए हैं तो ये ओवरऑल नया मास्टर प्लान है तो इस मास्टर प्लान के मुताबिक जो आज की वीडियो है स्पेसिफिकली वो इन दो सेक्टर को लेकर सेक्टर ए सेक्टर बी के और लेकर और सेक्टर बी और सेक्टर ए में जो प्लॉट की कटिंग्स हैं उसमें चार कैटेगरी के प्लॉट हैं कुछ प्लॉट डेफिनेटली कुछ ज़्यादा भी होंगे लेकिन चार कैटेगरी बेसिक कैटेगरीज़ हैं नंबर वन तीस बाय तिरपन सात मरला का प्लॉट नंबर टू बारह मरला के प्लॉट जो चालीस बाय अड़सठ का प्लॉट है और थर्ड जिसमें प्लॉट बनता है वो बनता है पचास बाय नब्बे और फोर्थ जो कैटेगरी में आती है वो होती है तीस बाय तीस के प्लॉट की ये न्यू मास्टर प्लान इसका विजन इतना क्लियर नहीं है तो मैं ट्राई करता हूँ कि ओल्ड वर्ल्ड पर चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसा चेंज नहीं हुई अच्छा जी ओल्ड मास्टर प्लान सेक्टर ए सेक्टर बी में जो न्यू और ओल्ड में फर्क आया सेक्टर ए सेक्टर बी में उसमें ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं आया सिर्फ ये कि इसको थोड़ा सा ब्राउन किया गया इस पार्ट को स्पेसिफिकली इसको पहले भी सील नहीं किया गया था लेकिन इसको स्पेसिफिकली हाइड कर दिया गया कि सोसाइटी का ये रिजर्व ब्लॉक है सेक्टर ए सेक्टर बी में बात करें कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स की तो सेक्टर ए में जो कैटेगरी प्लॉट्स आएंगे उसमें बी के मैंने आपको बता दिया कि इसमें चार कैटेगरी के प्लॉट हैं सेक्टर ए में अभी तक स्पेसिफिकली कोई कैटेगरी अनाउंस नहीं है बट यहाँ पे एक्सपेक्टेडली मेजर कमर्शल होंगे और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट का बड़ा कमर्शियल प्लॉट होगा इट कुड भी एनीथिंग इट कुड भी पेट्रोल पंप इट कुड भी कैशन कैरी इट कुड बी एनीथिंग बट यहाँ पे भी कुछ कमर्शियल एक्टिविटी होगी और ये वाला जो एरिया आपको सामने नजर आ रही है सारा पार्किंग के लिए रिजर्व एरिया होगा ये स्पेसिफिकली इस प्लॉट की पार्किंग है और इस प्लॉट पर रेड बॉक्स है तो यहाँ पर हो सकता है कोई स्कूल कॉलेज या इस तरह को चीज़ें आ जाए वैसे और प्राइम में गर्ल्स कॉलेज का भी हो जो जिसकी ये बनती है। और इस पर भी प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है रिसेंटली भी साहब ने जब इसका ब्रिज का अफ्त किया था अभी गूगल अर्थ पर इमेज पुरानी है मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ ये इस ब्रिज का अफ्त हो गया ये ब्रिज मुकम्मल हो चुका है ऑपरेशन हो चुका है आगे जो रोड है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक मुकम्मल कारपेटिंग हो चुकी है फिर बीच में यहाँ पे कलवट डल रही है जिस तरह यहाँ पे आपको मेन बुलेवर्ड पे कलवट नजर आ रही है यहाँ पे कलवट का एरिया है और सिक्स सिक्सटेंशन लेके यहाँ तक आगे फिर कारपेटिंग हुई है तो ये रोड जो तकरीबन इस पार्ट तक बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और बाकी ये वाला पार्ट जो रोड का है थोड़ा सा मिसिंग है नॉन डेवलप्ड है ये भी आने वाले दो कंप्लीट होपफली हो जाएगा बाकी वहाँ को गूगल अर्थ पे जो जो टाइम लाइन है उसकी मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेक्टर में चेंजेस क्या आए हैं ये ओवरऑल सेक्टर ओवरसीज प्राइम का ओल्ड मैप में खत्म करता हूँ ये सेक्टर सेक्टर बी की लोकेशन है अगर हम इस पर टाइम लाइन पर देखें तो इस वक्त जो तकरीबन पिछले थर्टीन मंथ से गूगल अर्थ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की इमेजेस अपडेट नहीं हुई ये भी आपको अगस्त 2022 ट्वेंटी टू नज़र आ रहा है लेकिन एक्चुअल इमेज जो आप देखेंगे यहाँ पे वो नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की सॉरी ऑलमोस्ट नाइन मंथ्स की इमेजेस अपडेट नहीं है नवंबर ट्वेंटी में ये एरिया कुछ ऐसे दिखाई देता था सेक्टर ए सेक्टर बी ये अपोजिट साइड पर जो नज़र आ कैपिटल हिल्स लेक व्यू ब्लॉक है यहाँ पर गोल्फ कोर्स के वास बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए जिनके मॉडल्स यहाँ पर बने हुए हैं ये दो कनाल कनाल दस मरला और पंद्रह मरला के विलाज यानी कि सेक्टर है सेक्टर बी को अगर देखें ये स्पेसिफिक एरिया का तो आप इसमें चेंजेस देख सकते हैं फिर वो कर सकते हैं कि रिसेंट मंथ्स में यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं जुलाई 2021 में ये एरिया कुछ ऐसा दिखाई देता था उससे प्रीवियसली देखें मे में भी कुछ ऐसा दिखाई देता था दैन जनवरी 2021 ये एरिया कुछ ऐसा दिखाई देता था यहाँ पर एक क्रशिंग प्लांट लगा हुआ था ये हटा दिया गया यहाँ से बाकी ओवरऑल साइड जो थी वो बिल्कुल फजूल थी वहाँ पर ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी जून ट्वेंटी में ये एरिया को क्यों दिखाई देता था रास्ता भी नहीं था रास्ता भी ये जो साइड से कच्चा रास्ता जो मशीनरी वगैरह के लिए था और यहाँ पे तब आई थिंक ब्रिज बन रहा था चार डैम के ऊपर ना तो इनिशली जब कच्चे से होते हुए इवन तो साइड विजिट भी करनी होती तो इसी हो एरिया से होकर गुजरते थे तो ये पुराना एरिया वाला ओवर प्राइम का उसके अलावा मे ट्वेंटी ट्वेंटी इसमें तब कुछ था ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता था इस तरफ एक कच्चा रस्ता था बाकी इसके अलावा और कोई एक्सेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो ये ओवरऑल uh, स्मार्ट का जो पिछले और सेज़ प्राइम सेक्टर या सेक्टर बी में पिछले दो साल में जो चेंजेस आए हैं उसके हवाले से आपने गूगल अर्थ की मदद से का आपको काफ़ी अच्छी अपडेट मिल गई होगी कि रिसेंटली पिछले डेढ़ दो साल में यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं अभी आप इसको फॉलो कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा ये स्पेसिफ़िक एरिया और प्राइम सेक्टर बी का इसमें आपको काफ़ी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दैट्स एट ये एरिया ओवरऑल डेवलपमेंट की अपडेट है ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए सेक्टर बी में इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर अगेन बैक ट्वेल्व टाइम फुटेज इस वक्त अगेन सेक्टर ए सेक्टर बी की फोटेज देख सकते हैं ये रिसेंटली कुछ दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड की गई थी ऑलमोस्ट फोर डे और इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा चूंकि मानसून का स्पेल चल रहा है तो साइड पर डेवलपमेंट की पेस आपको उस तरह से नजर नहीं आती पिछले तकबा डेढ़ माह से ऑलमोट सिक्स टू एट वीक्स को यहाँ पर साइड पर काफी तेज डिवलपमेंट हो रही थी अभी ओवरऑल अगर साइड पर आप जाते हैं तो मोस्टली मशीरी मशीनरीज आपको पाक नज़र आती हैं ज़्यादा काम उस तरह से नहीं हो रहा क्योंकि जहाह सी बात है कि मानसून के दौरान मशीनरी उस तरह से काम कर नहीं सकती क्योंकि सारा रियर कच्चा होता है और बात है वो मशीरी स्टार्ट हो जाती है लेकिन ओवरऑल बारिशों का स्पेल खत्म हो गया है अभी साइट पे मैं दोबारा जब नेक्स्ट वीक विजिट करूँगा तो इंशाल्लाह मैं नए ब्लॉक्स की अपडेट वीडियो लेके आऊंगा कि तमाम ब्लॉक्स में ओवरऑल डेवलपमेंट में पेस किस तरह से हो रही है किस चीज़ में कितनी डेवलपमेंट हो रही है ओवरसीज़ प्राइम में ओवरसीज़ सेंट्रल में हारनी पार्क ओवरसीज ईस्ट में हारनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल अब हारनी पार्क का बस नाम रह गया क्योंकि हारनी पार्क जो ओवरसीज ईस्ट है वो स्पेसिफिकली पार्ट बन गया एज ए सेक्टर डी ओवरसीज ईस्ट का और ओवरसीज सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो ओवरसीज सेंट्रल का पार्ट बन गया तो हारनी पार्क बस ब्राइम ही है लेकिन ओवरऑल में तमाम हारनी पार्क ब्लॉक के हवाले से स्पेसिफिकली ओवरसीज़ इसके हाले से इसके बारे में बहुत सारे मैम्बर्स ने मुझे पहले भी मैसेजेस और टेक्स्ट किए थे कि इसके हवाले से वीडियो बनाते हैं तो चलो मैं ट्राई करूँगा कि सबसे पहले उसकी वीडियो वेल वेलवर्स दिस वज़ इट फ्रॉम टुडे अगर आप स्मार्ट मार्ट लाहौर स्मार्ट में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़